बैराट तहसील प्रांगण में भारतीय किसान संघ द्वारा 9 सूत्री किसानों की समस्याओं व मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम बैराट तहसीलदार प्रतिज्ञा डेगुला को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ तहसील बैराट द्वारा गुरुवार दोपहर 12 बजे बैराट तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। धरना 12 बजे से प्रारंभ होकर करीब 2 घंटे तक निरंतर चलता रहा और नारेबाजी करते हुए किसान संघ पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान संघ बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ ब्रजेश धाकड़, तहसील मंत्री योगेश वर्मा, रमेश यादव, केशव यादव, धीरज वर्मा, जीतू रावत, प्रिंस प्रजापति, विवेक जैमनी, अंकित गुप्ता, राम नरेश, शिशुपाल यादव सहित आधा सैकड़ा की संख्या में संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दायित्व है आपके पास संघ की दृष्टि से? किसान संघ। अच्छा, तो ये आपने जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन भी दिया है, तो ये किस संबंध में दिया है? ज्ञापन अपन ने दिया है, प्रमुख मांग है तहसील की 15 दिन से यूरिया खाद मिल नहीं रहा पूरे तहसील के सालों। दूसरी मांग है बाढ़ से प्रभावित जितने गाँव हुए थे अगस्त और सितम्बर के महीने में, वहाँ शासन प्रशासन की आदेश से ज्यादा कृषक और ग्रामीणों को रात राशि नहीं पहुँची। तीसरी मांग है अपनी बिजली विभाग, बिजली विभाग में अवैध वसूली हो रही है बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा। चौथी मांग थी अपनी बैराट सहकारी बैंक की जांच हो, उसमें आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है, रिश्वत ली जाती है। पांचवी मांग है अपनी बैराट यूको बैंक, बैराट यूको बैंक में किसानों से केसीसी के नाम पर 10% कर अन्य भारी दलाल मैनेजर ने सेट कर रखे हैं, वहाँ आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री को तहसीलदार महोदय द्वारा ज्ञापन दिया गया। और समस्या है खाद की समस्या है, प्रमुख समस्या है बैराट तहसील। अगर ये सोमवार तक नहीं पूरी होती है तो भारतीय किसान संघ बैराट, भारतीय किसान संघ बैनर तले संभाग अध्यक्ष श्री कल्याण जी यादव के नेतृत्व में उग्र आंदोलन होगा और संख्या बल से होगा, इसका पूर्ण जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। कृषक वंचित रह गए, अतः जो किसान वंचित रह गए उन्हें जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान की जाए। केंद्रीय सहकारी बैंक को आए दिन परेशान किया जा रहा है, अतः बहुत जल्द बैंक की जांच कर भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो मशीन से चेक करके बड़ा बताकर मनमाने तरीके से अवैध वसूली की जाती है, अतः जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। यूको बैंक शाखा बैराड़ में केसीसी को लेकर बैंक मैनेजर व दलालों द्वारा किसानों से रिश्वत लेकर केसीसी बनाई जा रही है, अतः इन भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा किसानों को कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक तथा बीज नकली विक्रय किए जाते हैं, अतः इन सभी दुकानों की जांच कर इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सांसद तहसील बैराट संख्या बल के साथ सोमवार को आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैराट से माखन सिंह धाकड़ की रिपोर्ट।